hello everyone my name is swati your english educator from magnet brains welcome back so in this video we are going to go ahead what were we doing we were reading a chapter the ashes that made trees bloom right this is our chapter 4 and in this chapter this is actually a japanese folk tale where we talk about an old couple who had a dog but who was killed brutally by their neighbors because they were a wicked pair and they were very much envious because the dog helped the old couple to find a treasure but when they thought that it would do the same with them dog ne kya instead of finding them a treasure he took them to an old dead kitten and that's why they just killed him and then a lot of things happened what happened that the dog spirit uh, this old man he saw dog spirit and then he asked him to do certain things and again he got a pile of gold but when the wicked couple the covetous couple wanted the same thing for themselves instead of gold they got worms so in this video we are going to move ahead and see what happens to a story not long after that the good old man dreamed again and the spirit of the goat's go, uh, dog spoke to him jaise pura ho again one night when he was sleeping the spirit of dog matlab jo dog ki telling him how the wicked people had burned the mill made from the pine tree और उसने उन्हें क्या बताया कि किस तरीके से वो जो विकेट कपल है उसने वो मोटार और वो जो हैमर था उसको बुरी तरीके से तोड़ दिया और उसको फायरवुड की तरह यूज किया कैसे उन्होंने उसको पूरा बर्न कर दिया टेक द एशेस ऑफ द मिल स्प्रिंकल देम ऑन द दिदर्ड ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन सो अब ये स्पिरिट ने क्या कहा की स्पिरिट ने इसने कहा तुम उनके पास जाओ और जो उन्होंने जो वो वुडन पीस था उसको जो जला दिया उसकी एशेस आई हैं एशेस मतलब उसकी राख जो है उस राख को इकट्ठा करके अपने पास लेके आ जाओ जो विदर्ड ट्रीज हैं मतलब जो पूरे ट्रीज सूख चुके हैं विदर्ड का मतलब बेर एंड ड्राई सो जो ट्रीज़ एकदम सूख चुके हैं उनके ऊपर जाके उसे छिड़क देना ठीक है और वो एकदम से ब्लूम कर जाएंगे मतलब वापस उनमें लाइफ आ जाएगी सेट द डॉग स्पिरिट

ये जो मिजरेबल ओल्ड पैर थे जो लोग बहुत विकेड होते हैं बहुत ग्रीडी होते हैं उनके फेस पे कभी स्माइल नहीं होती वो लोग हमेशा हर चीज़ को बहुत ही गंदे तरीके से देखते हैं उनको देख के कभी आपको पॉजिटिव फीलिंग नहीं आएगी तो वो लोग बहुत ही मिजरेबली फायर प्लेस के बगल में बैठे हुए थे दे हैड अ स्क्वायर फायर प्लेस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पिनिंग और वो लोग क्या कर रहे थे दे वर स्पिनिंग मतलब वो कपड़ा बना रहे थे एंड they were smoking and they it was looking miserable there. From time to time they warmed their hands and feet with the blaze from some bits of the mill while behind them lay a pile of the broken pieces. अब उन्होंने उसको तोड़ दिया था तो time to time वो smoke कर रहे थे और spin कर रहे थे spin करते करते बीच में वो अपने हाथों को seek रहे थे किससे seek रहे थे वो जो मोटा था जिसको उन्होंने जला दिया था उसके जो उसकी आग आ रही थी उससे एंड उनके पीछे क्या था जो बाकी के जो वुडन पीसेस थे जो उन्होंने बुरी तरीके से तोड़ दिए थे वो वुडन पीसेस पड़े हुए थे द गुड ओल्ड मैन हम्बली आज फॉर द एशेस अब ये जो मैन थे ये जो ओल्ड मैन थे ये बहुत अच्छे थे तो उन्होंने बहुत ही अभी भी बहुत प्यार से बहुत ही तहजीब से उनसे बोला कि मुझे ये एशेस चाहिए दो द कोविटस कपल टर्नड अप देर नोजेस एट हिम तो जो कोविटस कपल था ये जो ग्रीडी कपल था टर्नड का मतलब क्या होता है ट्रीटेड हिम विथ कंटेम मतलब उन्होंने बहुत गंदे तरीके से उसको ट्रीट किया एंड स्कोल्डेड हिम एज इफ इट वीवर थीफ और उन्होंने उसको स्कोल्ड किया मतलब उसको गालियां भी सुनाई एज इफ वो कोई चोर है दे लेट हिम फिल हिज बैस्केट विद द एशेज लेकिन लास्ट में बोला कि हाँ ठीक है ना एशेज का हमको करना क्या है जाओ ये ऐशेस तुम लेके जाओ ऑन कमिंग होम दोल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन तो जब वो घर आ गए तो उनके पास क्या था एक बास्केट थी जिसमें एशिस थे राग थी उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ को लिया और अपने साथ गार्डन ले के गए इट बींग विंटर देअ फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेहर तो विंटर्स में क्या होता है सारी जो लीव्स हैं वो हट जाती हैं खत्म हो जाती हैं और जो ट्रीज हैं वो एकदम ड्राई हो जाते हैं तो उनका जो फेवरेट चेरी ट्री था वो एकदम बेर था मतलब उसमें कोई लीव्स नहीं थी बिल्कुल ही लाइफलेस लग रहा था वो ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेस ऑन इट एंड इट स्प्राउटेड ब्लॉसम्स इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स व्हिच परफ्यूम्ड एयर सो so, यहाँ पे क्या हुआ उन्होंने ही स्प्रिंगल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट उन्होंने थोड़ा सा उसके ऊपर राग डाला और जैसे ही राग डाला क्या हुआ वो जो पेड़ था जो एकदम ड्राई था लाइफलेस था अचानक से उसमें जान आ गई इट वॉज फुल पिंक फ्लावर्स फ्लावर्स एंड उसमें पूरे चेरीज आ गए एंड इट ब्लूम्ड ब्यूटिफुली उसमें इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही थी कि हर पूरा जो हर तरफ जो था नेबरहुड जो था उनका हर जगह उसकी खुशबू फैल रही थी the news of this filled the village and everyone ran out to see the wonder. jesse Yehua thought it was a miracle, so pata patachali and they all came to visit the tree. the covetous couple also heard the story, and gathering up the remaining ashes of the mill kept them to make withered trees blossom. उन्होंने भी ये पूरी स्टोरी सुनी उन्होंने कहा अच्छा सो so ये जो ऐश है अगर इसको हम विदर्ड ट्रीज के ऊपर डालेंगे विदर्ड का मतलब क्या ड्राई एंड लाइफलेस अगर हम इसको विदर्ड ट्रीज के ऊपर डालेंगे तो उनमें भी ब्लॉसम हो जाएगा मतलब वो भी एकदम खिल जाएंगे द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डैमियो वॉज टू पैस अलॉन्ग द हाई रोड नियर द विलेज सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस तो ये जो काइंड ओल्ड मैन था अब उस वक्त क्या था जो डैमियो, डैमियो मतलब जो उनके लॉर्ड थे एक तरीके से वहां के जो राजा थे उसको पता चला वो आ रहे हैं मतलब मे बी वो उस रास्ते से गुजरने वाले हों तो इन्होंने क्या किया अपनी बास्केट ली आश की और निकल पड़े अब एस द ट्रेन अप्रोच ट्रेन का मतलब क्या है जब राजा निकलता है तो राजा अकेले तो नहीं जाता उनके साथ बहुत सारे लोग होते हैं उनके आगे उनके पीछे काफ़ी लोग चलते हैं उस पूरी जो उनके साथ जितने लोग चलते हैं उसे कहते हैं ट्रेन ट्रेन मतलब प्रोसेशन प्रोसेशन मतलब मूविंग विद द लाइन ऑफ पीपल और थिंग्स सो आपके आगे दरबारी आपके पीछे लोग होते हैं बैंड वाले होते हैं बहुत सारे लोग आपके प्रोटेक्टर्स होते हैं इस पूरे को ट्रेन कहते हैं प्रोसेशन कहते हैं सो एज द ट्रेन अप्रोच्ड He climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. तो उन्होंने क्या किया जैसे ये अगर if you can see, so basically जैसे ये एक रास्ता है ठीक है यहाँ से उनकी जो ट्रेन है वो आने वाली है तो और यहाँ पे कहीं पे एक ओल्ड चेरी ट्री है तो वो जाके इसके ऊपर चढ़ के बैठ गए उस रास्ते के ऊपर भी जहाँ से वो रास्ते से मतलब जो आपके जो डेमियो है वो गुजरने वाले हैं वे साइड मतलब इस वे के साइड में नाउ अब जो हमें जानने की जरूरत है इन दोज टाइम्स ठीक है उस टाइम पे क्या होता था इन द डेज ऑफ द डेम्यूज इट वॉज द कस्टम एक कस्टम होता था वेन देयर लॉर्ड पैसड बाय फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शटअप देयर हाई विंडोज दे इवन पीस्टेड दम फैस विद स्लिट ऑफ पेपर सो हैज नॉट टू कमिट द इम्पोर्टेंस ऑफ लुकिंग ऑन हिज लॉर्डशिप अब वहाँ क्या होता था एक कस्टम था कि जब राज, राजा जो हैं वो वहाँ से जो डैमियो हैं जब वो वहाँ से गुजरने वाले हैं वेन ही इज अबाउट टू पास तो वहाँ पे दे कैन नॉट ओपन देयर विंडोज हाई विंडोज है मतलब कहीं से भी आप राजा को झुक के नहीं देख सकते ओके okay? और आपको हर विंडो को क्लोज करना है इवन दे यूज टू कवर द हाई विंडोज विद पेपर ताकि वहां से आपकी परछाई भी नहीं दिखे ऑल्सो सपोज यू आर देयर ऑन द रोड तो यू हैव टू नील डाउन और आपको अपना सर पूरा बेंड करना है बिकॉज यू हैव टू टेल देम दैट यू आर वेरी लॉयल टू द डैम यू ये वहाँ का कस्टम था ऑल द पीपल नाउ अंडरस्टैंड दिस वर्ड सो एज नॉट टू कमिट द इम्पोर्टिस्स ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिस्स लॉर्डशिप मतलब आप राजा को नीचे से नजर नीचे करके जैसे कि वो कोई नहीं है वैसे कैसे देख सकते हो इम्पोर्टिंस का मतलब होता है लैक ऑफ रिस्पेक्ट आप किसी भी तरीके से अपने जैमियों को रिस्पेक्टफुली ही देखोगे आप उनको ऐसे करके नहीं देखोगे सो जस्ट टू अवॉइड दिस दे यूज टू कवर ऑल देयर हाई विंडोज ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स मतलब वो सब अपने हैंड्स पे झुक जाएंगे एंड एंडलेशन पास जितने भी रोड पे जो भी लोग चल रहे हैं मान लो तो देव टू हाँ तो नील डाउन वो सिर्फ अपने घुटनों पर नहीं अपने हाथ पे भी आ जाएंगे एस इफ यू नो एन एनिमल स्टैंड और उनका सर झुका हुआ रहेगा एंड रिमेन प्लॉस्ट्रेट प्लॉस्ट्रेट मतलब लाइंग स्ट्रेच आउट ऑन द ग्राउंड विद्स डाउन स्टेस मतलब वो इसी पोजीशन में कब तक रहेंगे जब तक ये पूरा प्रोसेशन वहां से गुजर नहीं जाता ओल्ड कस्टम्स द ट्रेन ड्रीव न्यू अब ये जो हमारे ओल्ड मैन थे ये कहाँ पे थे ये वो चेरी ट्री के टॉप पे बैठे हुए थे अब ये प्रोसेशन पास में आया वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे गेट डाउन ऑन योर नीज गेट डाउन ऑन योर नीज अब यहाँ पे जो प्रोसेसन जब चलता है तो सबसे आगे एक आदमी था कंपिटेंट का मतलब क्या होता है बहुत ही एफिशियंट और केपेबल ओके मतलब अब एक तरीके से वो बॉडीगार्ड था सो दिस पर्सन हु वाज टॉल एंड वेरी पावरफुल वो क्या कर रहा था वो आगे लीड कर रहा था पूरे प्रोसेशन को एंड ही वाज कंटीन्यूअसली अनाउंसिंग दैट गेट ऑन योर नीज गेट ऑन योर नीज मतलब आप सब लोग नीचे बैठ जाइए प्रोसेशन आ रहा है एंड एवरीवन नील डाउन व्हाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग और जितने भी आसपास लोग थे दे ऑल नील्ड डाउन

लेकिन उसने देखा नहीं तो कितने बूढ़े इंसान हैं अगर इसको वो अभी अभी वो उनको उतार नहीं सकते अगर वो उनको पनिश क्यों करें तो उसने ऐसा किया कि उन्होंने उसने देखा ही नहीं उसको अनदेखा कर दिया नॉट टू नो ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस मतलब उसने ऐसे बिहेव किया कि उन्होंने उसको देखा ही नहीं ठीक है एंड सो वेन द डैम पैलिन क्वेंड्री नियर द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेस इट ओवर द ट्री अब जैसे ही उसने देखा कि जो राजा की जो पालकी है पैलक्विन का मतलब होता है पालकी जिसको आप जिसको लोग जो है मतलब पालकी पालकी कैसी होती है इस तरीके से एक बॉक्स होता है जैसे ये यह यहाँ पे मैंशनड है सो so, इस तरीके से एक पूरा प्लेस होता है जहाँ पे राजा बैठता है और इसमें रॉड्स लगी होती हैं और लोग जो है उसको अपने कंधे पे उठा के लेके जाते हैं उसे पालकी कहते हैं यू मस्ट क्या किया थोड़े से एशिस लिए और उस ट्री के ऊपर उसको पूरा छिड़क दिया स्कैटर का मतलब क्या होता है एकदम हर डायरेक्शन में उसको हिथ थ्रू इन मोमेंट इट बस्ट इन टू ब्लॉसम मतलब एक ही सेकेंड में वो जो पूरा जो लाइफलेस ट्री था चेरी का वो पूरा ब्लॉसम कर गया मतलब वो पूरा एकदम जो था वापस इट वाज फुल ऑफ फ्रूट्स एंड लीव्स एंड फ्लावर्स द डिलाइटेड डिलईटेड ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप एंड गॉट आउट टू सी द वंडर तो जैसे डैमियो ने ऊपर देखा अचानक से ये क्या हो गया सो ही वॉज डिलाइटेड विच मींस वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लीज और उसने क्या कहा उन्होंने उस पूरे ट्रेन को बोला रुकने को एंड ही गॉट डाउन बिकॉज ही वॉन्टेड टू सी दंडर ऑब्वियसली इट वॉज अ मिजिकल कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम ही थैंक हिम एंड ऑर्डर्ड ऑफ सिल्क ऑर्डर स्पॉन्ज केक्स फैंस एंड अदर रिवॉर्ड टू बी गिवन टू हिम तो उन्होंने उस ओल्ड मैन को बुलाया और ही वॉज सो हैप्पी विद हिम कि उन्होंने उसको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए क्या क्या गिफ्ट्स दिए सिल्क रोब्स दिए स्पॉन्ज केक्स दिए फैंस दिए बहुत सारी चीज़ें थी सो द ओल्ड एंड ही इवन इनवाइटेड हिम टू हिज कैसल उन्होंने उस ओल्ड मैन को अपने कैसल में भी बुलाया मतलब अपने पैलेस में भी बुलाया सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ तो ये जो ओल्ड मैन थे वो बहुत खुश हो गए ग्लीफुली का मतलब क्या होता है टाइम फ्रेंडली एंड जॉयफुली मतलब जब आप जीत जाते हो कुछ तो आप कितने खुश हो जाते हो सो so जॉयफुली वो घर गए उन्होंने अपनी वाइफ को पूरा किस्सा बताया एंड ही शेयर्ड ऑल दोस गिफ्ट्स विद हर बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट ही took some of the magic ashes and went out on the highway जैसे ग्रीडी नेबर को पता चला कि अरे अच्छा आशीष से उसने ये किया और राजा इतने खुश हो गए तो उसने क्या किया वो भी उसने आशीष लिए और तुरंत दौड़ दौड़ के वो हाईवे पे चला गया जहाँ से वो जो डैमियो का जो प्रोसेशन था वो पास होने वाला था देर ही वेटेड अंटिल अ डैमियोज ट्रेन केम अलोंग तो उन्होंने वहाँ पे कब तक वेट किया उस आदमी ने वो भी पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वो वेट कर रहा था कि हाँ यहाँ से राजा का पूरा प्रोसेशन जाएगा प्रोसेस का, का प्रोसेशन जाएगा मैं भी यही काम करूंगा इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड ही क्लाइम ट्री उसने क्या किया सब लोग जो थे नील डाउन थे वो नील डाउन नहीं किया उसने और वो चेरी ट्री के ऊपर चढ़ गया वेन द हिमसेल्फ ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम तो जब डैम एग्जैक्टली exactly उस चेरी ट्री के एकदम बस नीचे आ ही रहा था डिड ही डू

द मैन हुज बिजनेस इट वॉज ओके सो इट्स पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड शो मतलब जितना भी वो लोग अब राजा जा रहा है तो एकदम ठाट बाट के साथ जाता है बाजे वाजे के साथ जाता है सब वहाँ पे ख़त्म हो गया पूरा उसके कारण उस राख के कारण सबके फेस पे लग गया सबकी नाक में चला गया आँख में चला गया तो इट्स डिस्ट्रॉयड एवरी थिंग द मैन हुज बिजनेस इट वॉज़ टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर अब वो भी छींक रहा था जो मैन था जो सबसे आगे चल रहा था जिसका काम क्या था टू टेल एवरी दिमाग खराब हुआ ही टुक द पर्सन उसने कैसे उसको सीज मतलब पकड़ा ही सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर ड्रैग हिम फ्रॉम द ट्री उसको ट्री से उतारा एंड टम्बल हिम एंड हिज एश बास्केट इन टू द डिच बाय द रोड टम्बल का मतलब फॉल सडनली और क्लम्सीली मतलब उसको पूरा लिया उसको एक गड्ढे में फेंक दिया देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड उसको इतना मारा इतना मारा कि वो वहीं पे मर गया दस द विकेट ओल्ड मैन डाइड इन द मड अब ये जो विकेट ओल्ड मैन था वो उस मिट्टी में पूरे में वो मर गया बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्ल्ट इन पीस एंड प्लेंटी लेकिन जो वो डॉग था उसके जो फ्रेंड थे मतलब वो जो ओल्ड कपल था जो उन उसके लिए बहुत काइंड था बहुत ज़्यादा वॉम हार्ट था जिनका वो लोग खुशी से रहे ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी मीन्स वो लोग दे लिव्ड इन पीस एंड प्लेंटी ड्वेल्ट का मतलब क्या होता है टू लिव सो देव इन पीस एंड पलेंटी एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज नाउ बोथ वो और उनकी जो वाइफ थी उन्होंने दे वर अ वेरी दे हैड अ वेरी हैप्पी ओल्ड एज ग्रीन का मतलब क्या होता है हेल्दी एक्टिव एंड प्रॉस्परस हेल्दी एक्टिव एंड प्रॉस्परस सो उन्होंने अपनी जो बाकी की पूरी लाइफ थी दे हैड मनी दे हैड लाइक गुड नेबर्स दे वर वेरी काइंड हार्टेड तो एवरीबडी लव दम एंड दे हैड अ वेरी पीसफुल ओल्ड लाइफ सो दिस वॉज आर स्टोरी The ashes that made the trees bloom. Now, this particular story had a lot of emotions, right? When the dog died, about the wicked neighbors. So, when the dog died, you must have felt the pain. When the wicked neighbors, they continuously did bad th things to the couple, the old couple, you must have felt angry and when the old couple was so kind towards everyone, you must have felt content and peaceful. so a little story, a little japanese folk tale, it imbibed it and it showed you so many emotions. so this was our chapter. i hope you understood it completely. so you are supposed to ask me. in the next video, we are going to do the NCERT questions, which are after the chapter. and we will finish them. So that you can prepare well for your exams. Till then, I have to say stay connected, stay tuned, stay happy, and bye bye.